हमने देखा है अक्सर आपकी मूवीज में जो म्यूजिक होता है बहुत ही खास होता है, मूवी के बिल्कुल स्टोरी को थीम को मैच करता हुआ आपका ओएसटी बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है। तो जब आप अपनी मूवी में म्यूजिक को चूज करते हैं तो किन खास चीजों का आप ध्यान रखते हैं म्यूजिक को चूज करते हैं? यही सबके लिए तो बधाई के पात्र तो मुझे लगता है मेरे कंपोजर्स और हमारे पोस्ट प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी चॉइस ऑफ सिलेक्शन म्यूजिक की बहुत अच्छी रहती है और मेरे थ्रू रूट होता ही होता है क्योंकि मैं ही देखता हूँ कंपोजर क्या बना रहा है कैसे चल रहा है। आई कीप इन माइंड द इमोशन, मतलब अगर मैं इस मैं अगर निर्देशक की आंख पे पट्टी बांध दूं और उसको बोलूं कि डायलॉग और म्यूजिक सुनो आपको इमोशन सेम ही वो हो रहे हैं, अगर वो हो रहे हैं तो वो म्यूजिक कामयाब है। म्यूजिक बहुत ओवर पावरिंग नहीं होना चाहिए, फील नहीं होना चाहिए कि वो है फिर भी वो फील होना चाहिए, मतलब ये वो वाली बात है। मतलब इट्स ऑल अबाउट द इमोशन, अगर म्यूजिक अच्छा इमोशन दे रहे हैं, इमोशन ही तो है, म्यूजिक इज एन इमोशन। आप चलती गाड़ी में आप देखो छोटे बच्चे से लेके बड़े लोग तो गाने गुनगुनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, या म्यूजिक है या कोई थीम है या कोई इंस्ट्रूमेंटल है, बैक टू बैक सुनते रहते हैं, वो उनके फेवरेट्स बन जाते हैं। तो म्यूजिक ना इटसेल्फ इज एन इमोशन। और मैं कोई गाने नहीं प्लान करता फिल्म लिखते टाइम, मेरा मेन फोकस ही उसकी स्कोरिंग उसकी प्रोग्रामिंग की, भाई जितनी लेंथ है फिल्म की स्टार्ट टू एंड क्या मुझे ऑडियो में अवेलेबल होगा वो फोकस रहता है। और भी हम कुछ मजेदार लेके आए और वो है हमारा आरएफई ऑफिशियल मर्चेंडाइज, उसका लिंक जो है आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जहाँ पे भी ये वीडियो देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगी तो वो लिंक भी आपको साथ में मिलेगा। सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का जितना भी कॉन्टेंट है, जितनी भी मूवीज पॉडकास्ट टॉक शोज सारा कुछ अब आपके लिए अवेलेबल है देखने के लिए rollingframesentertainment.com पर, और ये बिल्कुल फ्री टू वॉच कंटेंट है। बहुत कुछ आने वाला है आरएफई की तरफ से, ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे ट्यून्ड इन एंड देखते रहो, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं जो भी अनाउंसमेंट होती रहती हैं उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आस्क ओजस्वी।